एमबीबीएस। तो आज हम लोग विजन की मंथली मैगजीन देखेंगे जो कि अगस्त मंथ की है। तो इसमें आज हम लोग इसके पहले सिक्योरिटी का इशू देख चुके हैं और आज हम लोग कल्चर करेंगे। कल्चर ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग पहले छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले इसमें एक है जालियांवाला बाग मैसेकर 1.1 में, और एक दो ही दूसरा टॉपिक है मालाबार और मोलपा रिबेलियन, बस दो ही टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो एकदम छोटी सी वीडियो है, अभी ख़त्म हो जाएगा तुरंत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली अनवील्ड द प्लेग एंड डेडिकेटेड द रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जालियांवाला बाग स्मारक है अमृतसर टू द नेशनल एंड टू द नेशन एंड इनाग्रेटेड म्यूजियम और गैलरीज। तो प्राइम मिनिस्टर ने जालियांवाला बाग स्मारक जो है वो अमृतसर में जो है उसका इनाग्रेशन किया है, ठीक है, उसका रेनोवेट किया है और उसको और इनाग्रेट किया है, वहाँ पे म्यूजियम या गैलरी इनोवेट किया है। मैंने अभी माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट किया है और ना और टू द नेशन और इनाग्रेट किया है वहाँ पे एक म्यूजियम और गैलरी, ठीक है। तो जालियांवाला बाग स्मारक जो है वो जालियांवाला बाग मैसाकर को के लिए याद में बनाया गया था 13 अप्रैल 1919 में। तो ये जो मेमोरियल है ये सेट किया गया था जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 के तहत, जिसको अमेंड किया गया रिसेंटली 2019 में, ताकि ये फर्स्ट मेकिंग इट फर्स्ट नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि गवर्नमेंट गवर्न किया जाएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। ये रिसेंटली रेनोवेट किया गया है एनबीसीसी द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ 5 मेंबर कमेटी, जो कि डीजी हेडेड बाय डीजी डिस्ट्रिक्ट डीजी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो अब फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, जो इस और ये किस स्कीम के अंदर, असिस्टेंट टू सेंट्रल एजेंसी। अब मैसाकर जो है ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक किया गया, मतलब एक रादर एक क्रिएटेड इंसिडेंट था दैट हैपन विद अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। ये एक आइसोलेट, यहाँ कहने का मतलब ये कि आइसोलेट मैंने सिंगल इंसिडेंट कारण नहीं था इसका, बहुत सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये मैसाकर बना है। तो इवेंट क्या क्या है जिसके कारण ये मैसाकर हुआ, तो पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट जो है इनिशिएशन एंड तो रॉलेट एक्ट का पास होना और रॉलेट सत्याग्रह होना। तो इस सत्याग्रह में क्या क्या सत्याग्रह के में क्या गया था कि रॉलेट एक्ट को पंजाब में नहीं आने देंगे, तो इसको एक काला कानून बोला जा रहा था। तो इसके कारण क्या है, पंजाब अमृतसर के बहुत सारे लीडर जो है वो अमृतसर में अनरेस्ट हो गया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है वो प्रोमिनेंट लीडर थे इसमें। उसके बाद पंजाब जो है इसमें मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब में, उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल डायर आए और फिर उन्होंने 4 लोगों से ज़्यादा लोगों का गैदरिंग को मना कर दिया गया। तो जालियांवाला बाग में गैदरिंग हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए, और दो लीडर थे उसमें जो कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए कि चलो वहाँ पे फेस्टिवल मना लेंगे और प्रोटेस्ट के बारे में बात भी कर लेंगे। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर आए और उन्होंने जालियांवाला बाग को पूरी तरह से घेर लिया और 10-15 मिनट में कंटिन्यू फायरिंग 10-15 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग करते रहे, जिसमें लगभग ये फिगर किया गया है कि 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अब है आफ्टरमैथ ऑफ द मैसाकर। तो मैटर आफ्टरमैथ क्या हुआ, इसके बाद का क्या परिणाम हुआ। तो द न्यूज़ ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड एंड लेड टू वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन टू विच द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। सीइंग द वायलेंस महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द इंडियन एंटी रॉलेट सत्याग्रह। तो हुआ क्या था कि जालियांवाला बाग का ये जो घटना हुआ, इसके बाद ना ये चारों तरफ फैल गया और उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगे, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे, तो उसको भी बहुत ही ब्रूटली रिप्रेस कर दिया गया। तो इसको देखकर महात्मा गांधी ने क्या किया कि एंटी रॉलेट सत्याग्रह जो चल रहा था उसको ख़त्म रोक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को जो उपाधि है वो लौटा दिया। अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी आई, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, वो फॉर्म किया गया था। 1920 में कमीशन जो है डायर को सेंसर किया गया और उसको रिज़ाइन करने के लिए बोला गया, डायर को, जनरल डायर को।
1940 में कैटॉक्स हॉल, जो लंदन के कैटॉक्स हॉल में उधम सिंह और इंडियन फ्रीडम फाइटर जो है उन्होंने माइकल डायर को मार दिया। उसके बाद की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में उसके बाकी जितना गुस्सा था वो शॉक और आउटरेज वो बाकी इनका देखने 1920-22 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखने को मिला, जो कि ब्रिटिश रूल 25 साल के ब्रिटिश शासन का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं मालाबार मोपला रिबेलियन क्या है। तो अभी क्या है कि मालाबार रिबेल लीडर वह न्यूज़ में क्यों है, तो मालाबार रिबेलियन लीडर वरीमा कुनामत हाजी अली मुसालियर एंड 387 अदर मोपला मार्टिस विल बी रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ मार्टिस ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें बोला था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की डिक्शनरी से इन तीनों के नाम को हटा दिया जा रहा है, इन तीनों के नाम के साथ साथ 387 अदर लोगों का नाम को हटा दिया जा रहा है। तो अब ये न्यूज़ में और इसके और क्या है क्या देखते हैं। तो द थ्री मेंबर पैनल विच रिव्यूड द एंट्रीज इन फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी ब्रॉट आउट बाई इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज अंडरस्टूड टू हैव रिकमेंडेड द डिसीजन एज इट फेल्ट दैट द 1921 रिबेलियन वॉज नेवर पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बट फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा ये पाँच मेंबर की कमी पैनल तीन मेंबर का एक पैनल था जिसने ये पाँच डिक्शनरी के पाँचवें वॉल्यूम को रिव्यू किया, और ये पैनल जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा लाया गया। तो उसमें ये बोला गया है कि 1921 का जो ये रिबेलियन था ये एक नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नहीं था बल्कि एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट था। अब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, और इसको 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसका प्राइमरी एम है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च को डायरेक्ट करना और प्रमोट करना, और उसके ऑब्जेक्टिव को एनकरेज करना, और साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को प्रमोट करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब ये कंक्लूड किया गया, इट कंक्लूडेड हाजी वाज अ राइटर हु हैड एस्टैब्लिश अ सरिया कोर्ट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ मोपला मार्टिर हु वेयर अंडर ट्रायल प्रिजनर डाइड ड्यू टू डिजीज सच एज कॉलेरा नेचुरल कॉजेस हेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड। मतलब क्या है कि उनको शहीदों में गिनती नहीं किया जाएगा क्योंकि जो हाजी थे वे एक विद्रोही थे, और साथ में क्या है कि सरिया कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की थी, और जो मोपला के जो शहीद माने जा रहे हैं जो वो एक्चुअली में प्रिजन में थे, अंडर ट्रायल में थे, और कॉलेरा बीमारी के कारण नेचुरल कॉज के कारण उन सब की मृत्यु हो गई थी। तो मोपला कौन है, तो मोपला जो है मुस्लिम टीनेंट है जिनको कनमदार बुलाया जाता है। ये कल्टिवेटर होते हैं जो कि मालाबार रीजन में रहते थे, मालाबार रीजन के में कल्टिवेट करते थे। वेयर मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड जहाँ के जिनको जनमी और जनमीज बोलते हैं वो अपर कास्ट हिंदू होते थे, यानी मालाबार रीजन में अपर कास्ट हिंदू यानी लैंडलॉर्ड, वहाँ पे बहुत सारे कनामदार्स और कल्टिवेटर्स जो हैं मुस्लिम टीनेंट्स करते हैं उनको मोपला बोला जाता है। मोपला हैड गेन्ड सम प्रोमिनेंस ओवर देयर लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग द मैसूरियन इन्वेजन बाय हैदर अली टीपू सुल्तान, बट आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ मालाबार इन 1972 फॉलोड बाय थर्ड एंग्लो मैसूर डोमिनेशन ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड वर रीस्टैब्लिश्ड। तो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान और हैदर अली का जब युद्ध हो रहा था उस दौरान मोपला को कुछ गेन प्रोमिनेंस गेन मिला था, लेकिन बाद में थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो 1792 में हुआ उसमें दोबारा से हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो है वो री इस्टेब्लिश हो गया उनका डोमिनेशन। इस सिनेरियो में मोपला जो है वो तुरंत अपने आप को उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड की दया का पात्र दया मर्सी पे पाया, तो हु वेयर सस्टेन बाई ब्रिटिश अथॉरिटी एंड देयर एजेंट्स। अब मालाबार रेबेलियन के बारे में जानते हैं। तो मालाबार रेबेलियन ऑल्सो नोन एज मोपला रायड वॉज एन आर्म्ड अपराइजिंग ऑफ मुस्लिम टीनेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर एंड लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड इन 1921। इट हैज़ ऑफन बीन परसीव्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग इन साउदर्न इंडिया एंड हैज़ इवन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीजेंट रिवॉल्ट। It occurred within the broader spectrum of Khilafat non-cooperation movement 1920 led by Mahatma Gandhi.
तो मालाबार रिवेलियन जो है ये 1921 में एक पीजेंट रिवॉल्यूशन के रूप रिवॉल्ट के रूप में हुआ था। इसमें ब्रिटिश और लोकल लैंडलॉर्ड के एट्रोसिटीज़ के खिलाफ मुस्लिम टीनेंट ने विद्रोह किया था। ये मालाबार का रीजन में रहते थे इसलिए मालाबार रिवेलियन हो गया। और इसमें इसको ये हुआ था खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब महात्मा गांधी जो चला रहे थे उसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तहत, मैंने उसी दौरान हुआ था। अब इसका कारण क्या क्या था इस रिवॉल्ट का, तो हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कन्फ्लिक्ट था मालाबार रीजन में, उसमें और 32 अपराइजिंग ऑर्गेनाइज जो अपराइजिंग है उनको मोपला ने ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो बहुत सारे लोग मिलके चले वहाँ पे, हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड और उनके ब्रिटिश ऑफिसर और रिलेटिव्स को सजा मजा चखाने। अब इसका एग्रेरियन डिस्कंटेंट था क्योंकि खेती बाड़ी से जो भी उनको मिलता था वहाँ से उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था, इनसिक्योर थे बहुत, उनका रेंट रेंट रह जाता था तो इसके कारण, या फिर उनको निकाल दिया जाता था तो इनके कारण वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे और उनको उनके मन में इस वजह से एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट आ गया था। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ मपला का, कांग्रेस जो है मोपिला कल्टीवेटर तक पहुंची, अपना सपोर्ट इंडिपेंडेंस के लिए खिलाफत मूवमेंट में मांगी, तो इस और बोली कि एग्रेरियन रिफॉर्म जो है उसमें वो सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था यहाँ पे। 1920 खिलाफत कमेटी जो है वॉज फॉर्मड इन मालाबार इन 1920 विच बिकम इंक्रीजिंगली एक्टिव इन अगस्त 1920। गांधी अलॉन्ग विद शौकत अली द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया विजिटेड कैलिकट टू स्प्रेड द कंबाइंड मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत अमंग द रेसिडेंट ऑफ मालाबार। तो 1920 में गांधी शौकत अली के साथ वहाँ पे पहुँचे मालाबार रीजन में अपना कंबाइंड जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है उसका प्रचार करने। तो 1921 तक मोपिला है वो जो है रिलीजियस हेड जो उनके थे महादुम तंगल, उनके अंदर में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करने का कसम खाया, प्लेज लिया। अब इमीडिएट रीज़न क्या था कि मोपिला जो है वो मोपिला अंडर लीडरशिप ऑफ वरियम कुनाथ कुंजा मदहाजी टुक अप आर्म इन 1921 अगस्त ड्यू टू अरेस्ट ऑफ खिलाफत लीडर अली मुजलियार एंड वाइड स्प्रेड र्यूमर दैट प्रोमिनेंट मोस्ट। देखिए यहाँ पे पूरा अगर एक साथ देखें तो हुआ क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले तो वहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम था मालाबार रीजन में, तो वहाँ के लोग बहुत डिससैटिस्फाइड रहते थे। तो उसी बीच 32 जो है ऑर्गेनाइज मोपला वो उभर रहे थे, तो साथ में एग्रेरियन डिस्कंटेंट था यानी टैक्स देना पड़ता था, इनसिक्योर थे, तो इन सब वजह से बहुत ही एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट उनके अंदर था। उसी बीच क्या हुआ कि उधर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो जिसका प्रचार करने के लिए ये लोग गांधी और शौकत अली मालाबार रीजन में पहुंचे। तो वहाँ पे इन्होंने बताया इसके बारे में, तो यहाँ पे मोपीलाल 1921 में मोपीलाल जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ देने के बारे में बोले कि ठीक है हम भी साथ देंगे, क्योंकि मोपीलाल नॉर्मली ये लोग क्या थे मुस्लिम थे और वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था तो ये लोग साथ देने का। इस बीच क्या हुआ कि जब जो उनके जो मॉस के जो खिलाफत लीडर हैं, खिलाफत लीडर जो है अली मुस्लिम, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया तब ये लोग को हो गया कि इस विद्रोह में कि हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ ये लोग ने विद्रोह कर दिया। ये इमीडिएट कॉज था। अब कोर्स क्या है रिबेलियन का, तो इन्होंने जनमीज पुलिस ट्रूप सबको अरेस्ट किया, टेलीग्राफ लाइन ट्रेन स्टेशन कोर्ट पुलिस ऑफिस लैंडलॉर्ड के घर इन सब पर अटैक किया, तोड़फोड़ मचा दी सब जगह। हाँ ये पूरा मालाबार डिस्ट्रिक्ट के ब्रिटिश में फैल गया पूरी तरह से, ब्रिटिश ऑफिसर और लोकल पुलिस भाग गए यहाँ पे, वास्ट ट्रैक ऑफ टेरिटरी जो है ये लोग लोकल रेबल्स के कंट्रोल में आ गया। फिर ये जो टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट स्टेट विच जिसके रूलर हाजी हो गए, जिसके हाजी जिसके रूलर हो गए 19 अगस्त 1921 में। लगभग 6 महीने तक पैरेलल जो है एक पैरेलल खिलाफत रेजिम चला यहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर नीलांबर में है, जिसमें अपना सेपरेट पासपोर्ट करेंसी टैक्सेशन ये सब चलाया जा रहा था। टिनेंट्स जो थे उनको लैंड का पावर दे दिया गया, वो अपना कल्टीवेट करते थे जो टैक्स इंसेंटिव के साथ देते थे, कल्टीवेटेड अलोंग टैक्स इंसेंटिव। ऑल दो जो मूवमेंट स्टार्टेड हुआ स्टार्टेड ऑफ लार्जली एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी कॉल्ड कम्युनल ओवरटर्न दैट कल्मिनेटेड इनटू कम्युनल वायलेंस। तो शुरू शुरू में ये जो मूवमेंट है ये ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ जरूर शुरू हुआ था,
लेकिन धीरे धीरे ये कम्युनल रूप लेने लगा और कम्युनल वायलेंस में बदल गया, मैसाकर हो गया, फोर्सिबल लोगों को कन्वर्जन कराया जाने लगा, मतलब अपने रिलीजन का कन्वर्जन, टेम्पल्स को तोड़ फोड़ दिया गया। तो ये सब भी एक रिवोल्ट का पार्ट हो गया, मतलब ये सारा हुड़दंगबाजी। तो ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द मूवमेंट दैट विच मच अग्रेशन बींग ब्रिंगिंग इन गुरखा रेजिमेंट टू सप्रेस इट विद इम्पोजिंग मार्शल लॉ, वैगन ट्रेजेडी, अप्रॉक्सीमेटली 60 मपीला प्रिजनर ऑन देयर वे टू प्रिजन सफोकेटेड टू डेथ इन अ क्लोज रेलवे वैगन, गुड वैगन। तो ब्रिटिश ने भी बहुत ही ब्रूटली अग्रेशन के साथ इसको सप्रेस किया, गुरखा रेजिमेंट को बुलाया गया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। इसी से रिलेटेड एक वैगन ट्रेजेडी है जिसमें बोला जाता है कि 60 मपीला प्रिजनर जो है वो जा रहे थे और उनको उस क्लोज वैगन में डेथ तक, मतलब दम घुट के मर गए वहाँ पे उसके अंदर। बाय जनवरी 1922 तक क्या हुआ, दे हैड टेकन बैक द एरिया हेल्ड बाय रेबल एंड कैप्चर्ड ऑल देयर की लीडर्स। हाजी वॉज अरेस्टेड एंड वॉज सेंटेंस टू डेथ अलॉन्ग हिज कर। तो जनवरी 1922 तक जितने भी उसके मेन रेबल्स थे और लीडर्स थे, की लीडर्स थे, सबको कैप्चर कर लिया गया। हाजी को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और उसे मौत की सजा दे दी। ठीक है, तो इसके बाद का